रिलायंस की 4G वोल्टी सर्विसेज ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को इस कदर परेशान किया हुआ है कि वो आपको कम से कम दाम में भी वोल्टी सपोर्ट वाला फ़ोन मुहैया कराने लगे हैं। हालांकि रिलायंस के खुद के लाइव ब्रांड में भी आपको सस्ते सस्ते वोल्टी सपोर्ट वाले स्मार्टफोन मिल जाएंगे, लेकिन हाल ही में अब माइक्रोमैक्स ने भी अपना एक सस्ता वोल्टी सपोर्ट वाला फ़ोन निकाला है जिसका नाम है भारत 2 और इसकी कीमत है मात्र 3500 रुपये। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये फ़ोन सबसे सस्ता और अच्छा वोल्टी फ़ोन माना जाएगा या नहीं। पर आपको उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फोन के रिव्यू में आपको इस फोन की प्राइसिंग पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यही इसका प्लस पॉइंट है और इसी वजह से हमें इस फोन को कुछ पॉइंट्स पर छूट देनी पड़ेगी। अब इस फोन के लुक्स की बात करें तो ये मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि इस फोन को हाथ में पकड़ते ही मुझे फ्रीडम 251 की याद आ गई। जी हाँ, ये फोन देखने में हूबहू उसी की तरह लगता है और साथ ही साथ इस प्राइस रेंज में आने वाले इंटेक्स और लाइफ के फोन इससे बेटर लगते हैं। इस फोन के ऊपर और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े बेजल दिए हैं और इसकी जो कैपेसिटिव की है उनमें लाइट्स भी नहीं जलती। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कॉम्पैक्ट फ़ोन है और इसलिए काफ़ी हैंडी भी है, और तो अगर आप दो फोन्स कैरी करना चाहते हैं तो आप इस फोन को आसानी से पॉकेट में रख सकते हैं। डिस्प्ले में नजर डालें तो भारत 2 में दिया है 4 इंच का WVGA डिस्प्ले, जो कि अपने प्राइस के हिसाब से अच्छा है। इसके कलर्स, ब्लैक लेवल्स और व्यूइंग एंगल्स सब कुछ डिसेंट है, और अगर आप इस फोन को तेज़ धूप में भी यूज़ करेंगे तो ये आपको निराश नहीं करेगा। साथ ही साथ इसका टच भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। इस फोन की एक खास बात है जो मुझे बहुत पसंद आई और वो है इसकी ऑडियो क्वालिटी। ये फ़ोन काफ़ी लाउड है। सॉफ्टवेयर की तरफ रुख करें तो भारत 2 में माइक्रोमैक्स ने एंड्रॉयड मार्शमेलो मुहैया कराया है, जिस पर किसी भी प्रकार की UI की लेयरिंग नहीं है। ये एकदम नीट और क्लीन सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें आपको कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की एप्लीकेशन जिसमें आप सिर्फ उनकी ही न्यूज़ पढ़ सकते हैं। बात की जाए स्टोरेज की तो इसमें आपको 4GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी जिसको आप 32GB तक एक्सपैंड कर पाएंगे। कैमरा वाइज ये फ़ोन आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में लाइफ, इंटेक्स और स्वाइप के फ़ोन आपको ज़्यादा अच्छा कैमरा ऑफर करते हैं। इस फोन में आपको 2 MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा और VGA फ्रंट कैमरा मिलेगा, जिस वजह से आप इस फोन में 4G वीडियो कॉल को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जो कि डिसअपॉइंटिंग बात है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो क्वाड कोर प्रोसेसर की वजह से इस फोन में आप टेम्पल रन जैसी गेम्स आसानी से खेल पाएंगे, लेकिन 512 MB रैम की वजह से ये फ़ोन आपको जगह जगह लैग करता दिखेगा। ऐप्स खुलने में टाइम लगाती हैं, यहाँ तक कि इस फोन में इंटरनेट ब्राउजिंग का एक्सपीरियंस भी काफ़ी स्लो रहा। साथ ही साथ इसका बैटरी बैकअप भी आपको निराश करेगा, यानी ये फ़ोन 8 से 9 घंटे तक ही सर्वाइव कर पाएगा। ऊपर से इसे फुल चार्ज करने में भी लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। वर्डिक्ट देखा जाए तो भारत 2 के प्राइस को ध्यान में रखते हुए भी इसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जिस वजह से ये फ़ोन इस प्राइस का बेस्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस सेगमेंट में आप कुछ ऐसे फ़ोन मिल जाएंगे जो कि इससे अच्छा कैमरा और बड़ी बैटरी ऑफर कर रहे हैं, यानी लाइफ फ्लेम 7 और स्वाइप कनेक्ट 4G। पर क्योंकि माइक्रोमैक्स की आफ्टर सेल सर्विस डिसेंट है और ये फ़ोन आपको ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर भी मिल जाएगा, इसलिए आप इस फ़ोन को एक बार ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था भारत 2 का डिटेल रिव्यू। अगर आपको इस फोन को लेकर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे जल्द से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर में जुड़ सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @KeshavKhera। अंटिल देन, दिस इज़ KeshavKhera साइनिंग ऑफ़।